साथ में के ईश्वर योगदान में आपका स्वागत है। रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। भावना कैसी होनी चाहिए? रहम की होनी चाहिए। वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थक कर निराश हो मर्सी मांगती, पूरी दुनिया में आप हालत देखो तो क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु मर्सी, प्लीज गिव अस सम रिस्पाइट, तो आप दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो। परमात्मा के बच्चे हैं, एंसेस्ट्रल सोल्स हैं, बड़े भाई आत्माएं हैं। कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा, ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। कोई कितना भी बुरा हो, सुनिए फिर से, उसके प्रति भी रहम की भावना हो कि ये अपने संस्कारों वश 63 जन्म के जो पाप किए हैं, जो दुख भोगा है, जो गलत फहमियाँ हुई हैं, उससे वो भरी हुई आत्मा है, उसकी भी गलती नहीं कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो उस कारण से क्या होगा, तो हो तो कभी घृणा नहीं आएगी, ईर्ष्या नहीं होगा व क्रोध की भावना नहीं आएगी उसके प्रति। अगर हम ये समझ लें गहरे ज्ञान से, चक्र के हिसाब से 63 जन्म पाप किए हैं तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें, संस्कार। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है, हमारे अंदर रहम आएगा तो हम ज्ञान के कारण हमें रहम आ रहा है तो हम समझेंगे उनको। लगाव से रहम नहीं लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है। तो लगाव से रहम नहीं कि चलो आपने रहम दिखाया अब तो चेंज हो जाओ, आपने रहम किया अब तो इसको फ़ायदा हो, अब तो ये आगे बढ़े जीवन में, नहीं, उतना भी अटैचमेंट ना हो। लगाव से रहम नहीं लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता, कोई भी फिजिकल अटेनमेंट की इच्छा नहीं होती।